ओके सो है व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो गाइस अगर आप सैमसंग गैलेक्सी A52s स्मार्टफोन को लेकर एक्साइटेड है तो फाइनली आपका जो वेट है वो खत्म होने वाला है, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी A52s स्मार्टफोन की कंफर्म लॉन्च डेट और कंफर्म प्राइस निकल कर आ चुकी है और ये बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी A52s की कंफर्म लॉन्च डेट और कंफर्म प्राइस के बारे में बताने वाला हूं, जो हो सकता है आपको पहले से ही पता हो, लेकिन साथ ही कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगा जिससे आपको कंपनी की मार्केट स्ट्रेटेजी के बारे में पता चलेगा, किस तरह से कंपनी लोगों को टारगेट स्मार्टफोन को खरीदने के लिए। उससे पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूं। डेढ़ साल से मैं Samsung Galaxy A51 यूज कर रहा हूं। जब दो से तीन महीने पहले मैं Samsung Galaxy A52 को परचेज करने गया था Samsung के स्टोर में, तो जब मैंने Samsung Galaxy A52 को अपने हाथ में लिया तो मैंने उसको देखते ही वहीं कैंसिल कर दिया। उसके बाद में मैंने उस फोन को जो लेने का मूड है वो बिल्कुल कैंसिल कर, अभी तक A51 को ही यूज कर रहा हूं। जो लोग Samsung Galaxy A51 यूज कर रहे हैं उन लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि जो Samsung Galaxy A51 है काफी स्लिम स्लीक और बेजललेस स्मार्टफोन है, और जो A52 है उसमें आपको जो बेजल्स है वो काफी बड़ी कर दी गई है। तो आपको हाथ में लेने से ही पता चल जाएगा कि दोनों ही फोन में जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा है Samsung Galaxy A52 में। इसकी वजह से मैंने A52 को परचेज नहीं किया। अगर बात करते हैं Samsung Galaxy A51 के स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, तो इसमें आपको 87.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है, लेकिन A52 में 84.1% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है, जो आपको Samsung Galaxy A52s में भी देखने को मिलेगा। तो इसी रीजन की वजह से मैंने Samsung Galaxy A52 को परचेज नहीं किया और मैं अभी तक Samsung Galaxy A51 को यूज कर रहा हूं। तो गाइस ये चीज वही समझ सकते हैं जो A51 को यूज कर रहे हैं। अगर आपने A51 को यूज नहीं किया तो ये आपको डिफरेंट पता नहीं चलेगा, लेकिन जो A51 यूज कर रहे हैं उनको ये डिफरेंस काफी मेजर डिफरेंट लगेगा। ये चीज जो है वो एकदम नोटिस हो जाएगी फोन को देखते ही। तो ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो Samsung Galaxy A52s स्मार्टफोन है वो भी सेम वही डिजाइन के साथ आने वाला है। यहाँ पर कुछ भी चेंजेस कंपनी ने इस फोन की डिजाइन और बिल्ड को लेकर नहीं किए हैं, सभी कुछ Samsung Galaxy A52 जैसा ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर ओनली आपको कुछ कुछ मेजर इंटरनल चेंजेस देखने को मिलेंगे जो Samsung Galaxy A52s में चिपसेट में आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर एक 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। और अगर बात करें A52s स्मार्टफोन के प्राइस की, तो इसकी जो कंफर्म प्राइस है वो होगी 6GB और 128GB के वेरिएंट की 35,999 रुपये, और अगर बात करते हैं 8GB और 128GB वाले वेरिएंट की तो उसकी जो प्राइस होगी वो 37,499 रुपये होगी। यहाँ पर जो दोनों ही वेरिएंट्स हैं वो 35,000 से ऊपर के वेरिएंट्स हैं, और कंपनी ने यहाँ पर कुछ भी बिल्ट इन डिज़ाइन को लेकर चेंज नहीं किया है। सेम उसी A52 फोन को A52s के नाम से चिपसेट और 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट और 5G कनेक्टिविटी के साथ में लॉन्च कर दिया। तो गाइस अगर आप सैमसंग कि फोन को लॉन्च करने की स्ट्रेटेजी को समझेंगे तो सबसे पहले A50 स्मार्टफोन जो लॉन्च हुआ था वो फरवरी 2019 में लॉन्च हुआ था, उसके ठीक 6 महीने बाद में Samsung Galaxy A50s जो A50 स्मार्टफोन लाइनअप का ही फोन था उसको 6 महीने बाद अगस्त 2019 या फिर सितंबर 2019 में Samsung ने लॉन्च किया। उसके बाद में आता है Samsung Galaxy A51 जो मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन रहा है। 29 जनवरी 2020 में Samsung Galaxy A51 लॉन्च हुआ था। यहां पर अगर हम टाइम की बात करें फरवरी 2019 से जनवरी 2020, लगभग एक साल में जो इस फोन का A50 का अपग्रेड है A51 वो लॉन्च हुआ। उसके बाद में आता है Samsung Galaxy A52 जो लॉन्च हुआ था मार्च 2021 में। तो जब तो गाइस मार्च 2021 में Samsung का Galaxy A52 लॉन्च हुआ। अगर बात करते हैं Samsung Galaxy A52s स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की, तो 1 सितंबर 2021 को Samsung Galaxy A52s को इंडिया में लॉन्च कर दिया जाएगा। तो A52 के भी ठीक 6 महीने बाद यहां पर हमें Samsung Galaxy A52 लाइनअप्स का ही A52 ऐसे स्मार्टफोन अब देखने को मिलने वाला है। अब अगर बात करते हैं A52 से A53 की तरफ, तो A53 जो है वो ठीक 6 महीने बाद में ही लॉन्च हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस कंपनी ने A52 के बिल्ट इन डिजाइन में कुछ भी चेंज नहीं किया है, लेकिन जो A53 होगा वहां पर आपको फोन के लुक्स एंड डिजाइन में भी चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस अब यहाँ पर सवाल ये बनता है
कि अगर आप Samsung Galaxy A52 यूज कर रहे हैं तो आपको, आप जब A52s को यूज करेंगे तो आपको कुछ भी मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, ओनली यहां पर 2 से 3 चेंजेस से देखने को मिलेंगे। अगर 5G कनेक्टिविटी की बात करें तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन 5G कनेक्टिविटी के साथ आएगा, लेकिन 5G जब इंडिया में लॉन्च होगा तभी आप 5G को यूज कर पाएंगे। उससे पहले आपका जो 5G वाला जो फीचर है वो किसी भी काम का नहीं है। लेकिन अगर बात करते हैं कि क्या 36,000 की प्राइस रेंज में हमें इस स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन अगर आप A52 यूज कर रहे हैं तो इस स्मार्टफोन को लेने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। जो पता है काफी सारे सैमसंग फैन वीडियो को डिसलाइक करेंगे और ऐसे बोलेंगे कि जो सैमसंग कंपनी है उसकी जो स्मार्टफोन की जो प्राइस रहती है वो अदर ब्रांड से थोड़ी ज्यादा ही रहती है। तो यहां पर इस स्मार्टफोन की भी जो प्राइस है थोड़ी ज्यादा ही है, तो काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो इस प्राइस पॉइंट पर भी इस स्मार्टफोन को परचेस कर लेंगे, लेकिन उनको जो रियलिटी है उसके बारे में नहीं पता है। तो यहां पर अब सवाल यह बनता है कि जो लोग Samsung Galaxy A52 यूज नहीं कर रहे हैं और कोई अदर स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं और वो अपग्रेड करना चाहते हैं अपने स्मार्टफोन को A52s से, तो यहां पर आपको इस स्मार्टफोन में 36,000 का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो गाइस यहां पर आपके सामने सारी चीजें क्लियर है, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, डोंट वेट फॉर Samsung Galaxy A52s बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। तो गाइस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि अभी आपको Samsung Galaxy A52s स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो में मेरा समझाने का यही मकसद है, आप खुद अपना दिमाग लगाइए और अपना जो पैसा है वो सही जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि 36,000 रुपए जो है वो छोटी रकम नहीं होती है। मैं खुद Samsung फैन हूँ, काफी टाइम से Samsung का स्मार्टफोन को यूज कर रहा हूँ। जब A50s को परचेस किया था उसके ठीक 15 दिन बाद में Samsung Galaxy A51 लॉन्च हो गया था, तो मैंने फिर ठीक 15 डेज बाद में ही Samsung Galaxy A51 को परचेस कर लिया था और A50s को सेल आउट कर दिया था। देखेंगे A51 को, तो A51 मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन रह चुका है, और अगर बात करते हैं A52 की, तो A52 इतना पॉपुलर डिवाइस नहीं रहा है, इतना सेल भी नहीं हुआ है। अगर बात करते हैं A52s की, तो इस स्मार्टफोन को लेकर भी मुझे नहीं लगता है कि इसकी जो सेल होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर जो प्राइस है वो बहुत ही ओवर है और कंपनी ने थोड़ा बहुत चेंज करके वही स्मार्टफोन हमें चिपका रही है। तो यही कुछ था इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और आगे भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।